शाम के 5:15 बजे मैं पहुँचा ख्वाब पे, लेट है 1.5 घंटा ऑलमोस्ट, सुबह लेट निकलने की वजह से। और ख्वाब जो है संगम है, कॉन्फ्लुएंस है स्पिति और सतलुज रिवर का। इधर से ये आ रही सतलुज और उधर से आती है स्पिति, जहाँ हम जाएंगे अंदर। इस तरफ आई बिलीव शायद तिब्बत वाला इलाका होता होगा, प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी श्योर। चलो जी, ख्वाब से अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ से बोलते हैं कि एक्चुअली स्पिति वैली भी टेक्निकली स्टार्ट हो जाती है। हम वैली के उस तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर भी क्लिफ हैंगर रॉक्स हैं। एकदम सिर्फ पथरीली रॉक्स हैं ये सारी की सारी, कुछ नहीं है वेजिटेशन के नाम पर। यहाँ कहीं कहीं कोई थोड़े से जैसे छोटी छोटी सी ऐसे झाड़ियाँ दिख जाती हैं, ज़रा ज़रा सी घास दिख जाती है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर चढ़ाई चलेंगे हम एकदम से स्टीप, कई सारे बेंड्स हैं। एकदम एलिवेशन गेन करेंगे लगता है यहाँ से। चलो भाई, और ये नीचे मैप दिख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह के बैंड्स हैं बहुत सारे। बहुत नजर आ रहा है भाई, पता नहीं गोप्रो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। गोप्रो उसको आई एम श्योर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, कितना सुंदर लग रहे हैं, मेजेस्टिक। और यहाँ रोड की कारपेटिंग हो रही है, मस्त रोड है एकदम। ओहो धूप आ गई, ऊपर आ गए ना हम। 8 हेयरपिन बेंड लेने के बाद एकदम से हाइट पर आ गए। देखो कैसे एकदम सूखे पथरीले पहाड़ हैं, पत्थरों से भरे हुए, छोटी सी कोई गांव टाइप आ रहा है, अजीब सी लेकिन बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव सी जगह लग रही है मुझे। मतलब इतना सूखा है फिर भी अच्छा लग रहा है, इमेजिन, वाह। वो दिख रहे हैं सारे रोड्स, वैसे लूप्स ले लेके ऐसे घूम कर ऐसे ऊपर आ रहा हूँ। अभी और ऐसी कई लेने लेकर इसके उस तरफ जाने, क्या सही हो जाएगा ना यार। अब आए वही देखो मसली हाइट पे, नाकू है यहाँ से 14 किलोमीटर, खतरनाक एकदम। बहुत सारे हैं भाई यहाँ, बहुत सारे हैं, ये कर रहे हैं सारा पत्थर ढोने का काम। ये जो छोटे छोटे जितने ऐसे पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सब सेब के पेड़ है। यहाँ सेब काफी लेट होता है ना, इसलिए भी बहुत कहीं कहीं छोटा छोटा लगा हुआ दिख रहा है। नीचे जो शिमला वाली साइड थी वहां तो सेब काफी बड़ा हो गया था, रेड नहीं हुआ था, ग्रीन हो गया था।
यहाँ भी बहुत छोटा छोटा है, वो भी कहीं कहीं है भाई साहब। ऊपर जाना है अभी हमें, रोड पकड़े ऐसे ही लग रहा है मुझे घूम घुमाते हुए। वही है क्या नाको? वैली देखो क्या बढ़िया वैली लग रही, एकदम खुली लंबी वैली। कहाँ गए हम, कहाँ गए? नाको आगे लगता है भाई। काजा के लिए ठीक जा रहे हो ना मैं? काजा के लिए ठीक जा रहा हूँ ना? काजा, हाँ यही है ना। इसके बाद है बड़ी जगह कौन सी आएगी? बड़ी जगह हाँ, ये ताबो है। हाँ ताबो तो मुझे जानी, उससे बीच में कुछ आएगा अभी? चांगो आएगा उसके लिए, फिर बुलिंग आएगा। कितनी देर में आएंगे वो बुलिंग और चांगो? चांगो है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर। 30 सुमनो भी पड़ रहा था कहीं रास्ते में। मैं कितनी देर पहले आऊँ, कितनी देर में आएगा? ठीक है धन्यवाद। ये है जी नाको गांव और यहाँ लेक भी है, एक लेक फिर कभी। सुमड़ो 30, चांगो 17। चलो अभी तो सब खाली पड़ा है, कोई है नहीं ना, लोग टूरिस्ट है ही नहीं। अब मुझे लगता है लोग मुझे सीधा काजा वगैरह में मिलेंगे। रेंज कितनी ऊपर दिख रही थी, अब उसके लेवल पर आने वाले हैं ऐसा लग रहा है हम लोग। बर्फ पड़ी हुई है उसके ऊपर अभी भी। ये फिर से शुरू हो गए हेयर पिन बेंड्स, अभी 4-5 और हैं। मालिक नाला पे पहुंच गए जी हम। अब तो इन्होंने कहते हैं पुल बना दिया यहाँ, पहले तो शायद इसको पार करना ही मुश्किल होता था। हमने तो सिर्फ सुना और देखा है लोगों के वीडियोस में, तो पता नहीं है। ड्राइव केयरफुली लिखा है, पर ये तो लग रहा है इसने जैसे भाई अभी भी तोड़ताड़ दिया सब। ओ भाई ये तो भैया जब बरसात आएगी कहीं ऊपर से पीछे से तो ये तो बहुत खतरनाक ही होगा। एरिया ही देख के पता चल रहा है भयंकर है, पत्थर वत्थर भाई साहब। देख लिया आज। वो स्पिति और वो पीछे वहां नाको, थोड़ी देर पहले इतने सारे हेयर पिन बैंड्स लेकर के ऊपर आए थे, अब ऐसे दिख रहे आगे बड़े सारे। नीचे वो देखिए वो, ओहो उधर को जाना है नीचे हमें। ये दिख रहा है देखो, ये लीजिए शुरू हो गए। कितने हेयर पिन बैंड आके मोड़ मोड़ के खत्म ही नहीं हो रहे, शायद एक दो और बचे हैं। रिवर के लेवल पर आएंगे पता नहीं, फिर उसके बाद फिर चढ़ाई है तो मुझे पता नहीं है। एक दो तीन रह गए, तीन मैं कहाँ जाना है इधर
अच्छा ये तो नीचे किसी छोटे एरिया में चला गया क्या, जो भी जगह है ये। यहाँ पर भी थोड़े से ये देखो लगे हुए हैं, फ्रूट लगा हुआ है, ये देखो पेड़ों पे छोटे 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 सेब लगे हुए हैं, ग्रीन दिख रहा है अभी। सुमंडो 14, जहाँ पर ग्रीनरी है वहीं पर ही कोई छोटा सा ऐसा गांव टाइप का बसा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो खेती करेंगे ये लोग खाने पीने के लिए। वहाँ देखो कितने पेड़ हैं, सुमंडो यहाँ से 14। हम आगे स्पीति नदी के लेवल पे, देखो वो स्पीति नदी, देखो वो चांगो, दिस इज चांगो। वो ऊपर पहाड़ों पे धूप पड़ रही है अच्छी खासी। टाइम हो गया है 6:42, सनसेट का टाइम हो ही गया है। स्ट्रेंज जगह है, बहुत ही स्ट्रेंज जगह है। ये सुमंडो है, अभी पीछे आर्मी का एक थोड़ा सा छोटा कंटोनमेंट टाइप है, वहाँ पर एंट्री हुई और एक स्पीति डेवलपमेंट फ़ी जैसी कोई फ़ी एक अलग ग्रुप बैठा था उन्होंने, वो भी काटी है। 100 रुपीज़ लिए उन्होंने बाइक की। तो अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं ताबो की तरफ, ताबो तक ही जाया जाएगा क्योंकि फिर काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। काजा तक अगर जाने की कोशिश करूँगा मैं रात को, रोशनी होती तो अलग बात थी। नहीं मैं तो काबू को जाऊंगा, ये रास्ता यहाँ से, ये रास्ता यहाँ से चला जाता है ग्यू की तरफ। वो ग्यू है फेमस वो अपनी मम्मी के लिए, जो पुरानी शायद मम्मी है मॉन्ग की। यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है फिलहाल। मैं तो जा रहा हूँ काबू। साढ़े सात बजे अभी हुरलिंग पर पहुंचा यहाँ से ताबू, अभी भी 19 किलोमीटर दूर है। टाइम 7:30 हुआ है और शक्ल पे 12 बजे हैं, तो हालत ख़राब हो गई है बस। लेकिन 18-19 किलोमीटर और जाना है, जाना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन कोई है नहीं। चाय पी के लिए रुकाऊँ क्योंकि थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब है। रात के 7:45 या शाम के 7:45 हुरलिंग से ताबो की तरफ जा रहा हूँ। कौन सी रोड है भाई? अच्छा अंधेरा हो ही गया है, क्या है यहाँ मैंने देख रहा हूँ काफ़ी सारे होमस्टेज यहाँ पर भी हैं। वही होता हुआ लोग जो जिन्होंने काजा वाजा जाना है, कभी किसी कारण से लेट हो गए तो अब इतना यहाँ से, अभी क्योंकि काजा तो यहाँ से 50 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। देखो ये जैसे ही है ना, देखो ये सब होम स्टेज टाइप ही हैं, तो यहीं रुक गए लोग और सही अच्छे बन रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। पत्थर वत्थरों के बनाए हुए हैं, पता नहीं कितना नज़र आ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है दोनों तरफ जैसे रेत के पहाड़ों, ऐसे यूँ ढलान वाले से पड़े हुए हैं।
दोनों तरफ पत्थर हैं छोटे छोटे या क्या है पता नहीं, थोड़ी सामने से रोशनी आ गई तो अच्छा लगा, चांद भी नज़र आ रहा है ऊपर, पता नहीं इसमें आ रहा नहीं आ रहा, देखो कुछ इस तरह के टेरेन से निकल रहा हूँ मैं बीच में से, नीचे बह रही है स्पीति लेफ्ट में, 15 किलोमीटर रह गया ताबू, अब वहाँ जा करके कुछ रहने की जगह भी ढूंढनी है। हे राम, रात के बज गए 10:30, 9 बजे मैं पहुँचा था ताबू में, काजा जाने का कुछ सीन नहीं था क्योंकि हिम्मत नहीं थी, 40-45 किलोमीटर और था और अंधेरा था, छोटी रोड है, आकर के थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, गर्म पानी से नहाया वाया, थोड़ा आराम करा, थोड़ा चीज़ें अपनी जो थी सब जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी वो सारी चार्ज पे लगाई, थोड़ा सामान सेटल करा और फिर अब बैठा हूँ मैं डिनर करने। जहाँ मैं रुका हूँ ये हनपो हाउस है इसका नाम है इस प्रॉपर्टी का, छोटी नाइस एंड क्लीन है, सिंगल रूम्स भी हैं, डबल रूम्स भी हैं, ऊपर अलग हैं नीचे अलग हैं, तो रुका जा सकता है। ताबू छोटी सी जगह है बट काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है और इस टाइम तो खाली है तो सब चीज़ें मिल रही हैं। और फिलहाल मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है करी और रोटी और खाऊंगा और सो जाऊंगा, इसके अलावा कुछ और करने का अब हिम्मत भी नहीं है, सुबह फिर उठना है 7:30 बजे उठूंगा और जल्दी निकल लूँगा यहाँ से, कोशिश करूँगा, देखते हैं। काजा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो आराम से मैं 9:30 बजे निकलूँगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर थोड़ा उसके काजा कहीं कल ही एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा उसके आसपास। ये है खाना है करी रोटी, ये है रिसेप्शन और ऐसे ही एकदम रोड पर ही है ये रोड जो है बाहर, ये काजा की तरफ चली जाती है।